वेलकम टू ऑल। हम आपके लिए एक और प्रॉब्लम लेके आए हैं इस प्रेजेंटेशन में ऑन द बेसिस ऑफ टेलर्स टू लाइफ इक्वेशन। हमारा मोटिव ये है कि हम आपको अलग अलग वैरायटी के प्रॉब्लम्स अपने प्रेजेंटेशन में कवर कर सकें, जिसके आपके मैक्सिमम वैरायटीज के प्रॉब्लम आप यहीं पे कर सको, और जो रह जाता है फिर आपको घर से प्रैक्टिस करना है, क्योंकि देयर आर नंबर ऑफ वैरायटीज ऑफ प्रॉब्लम्स आर देयर। हमको एक ही प्रॉब्लम, कई तरीके के प्रॉब्लम अपने को सॉल्व करने हैं, एक ही तरीके का प्रॉब्लम बार बार वही सॉल्व नहीं करना, अलग अलग वैरायटी का करना है। तो ये एक नया वैरायटी का प्रॉब्लम हम लेके आए। इसमें क्या बोला है, टेलर्स टूल लाइफ इक्वेशन है, फाइंड आउट द परसेंटेज इंक्रीज इन टूल लाइफ व्हेन द कटिंग स्पीड इज रिड्यूस्ड बाय 50%। क्या बोला है, यदि कटिंग स्पीड 50% से रिड्यूस हो गई है तो परसेंटेज इंक्रीज करो, कितना पॉइंट करो कि टूल लाइफ में कितना परसेंटेज इंक्रीज हो गया, और एन और सी का वैल्यू आपको दिया हुआ है। फिर से स्टार्ट करें वही गिवन से। गिवन अपने को क्या दिया है, एन इज इक्वल टू 0.5, सी इज इक्वल टू 400। उसके बाद इनिशियली यदि अपन लोग मान लें, इनिशियली वेलोसिटी या कटिंग स्पीड कितनी है, कटिंग स्पीड कितनी ले लें अपन लोग, जैसा कि पिछले प्रॉब्लम में लिया था क्या, v1, और टूल लाइफ कितनी हो गई इनिशियली t1, और फाइनली कटिंग स्पीड कितनी ले लें अपन v2, टूल लाइफ t2। ठीक है, अब अपने को बोला गया है कि जो कटिंग स्पीड है रिड्यूस हो गई कितना, 50%, मतलब आधा हो गई। तो vt कितना, v2 कितना हो जाएगा, v1 अपॉन 2 हो जाएगा, ये गिवन है अपने को, तो गिवन में लिख लिए। अब अपने को फाइंड क्या करना है, टू फाइंड परसेंटेज इंक्रीज इन टूल लाइफ, ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, परसेंटेज इंक्रीज इन टूल लाइफ। परसेंटेज इंक्रीज टूल लाइफ निकालने के लिए अपने को पहले t2 का वैल्यू निकालना पड़ेगा कि t2 कितना हो गया v2 आधा करने से, तो t2 के वैल्यू निकाल देंगे, इसको t1 से कंपेयर कर देंगे तो परसेंटेज निकल जाएगा। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में अपने पास टेलर फ्रॉम द टेलर्स टू लाइफ इक्वेशन वी हैव vt की पावर n इज इक्वल टू c। इसको अपन लोग क्या लिख लें, v1 t1 की पावर n इज इक्वल टू v2 t2 की पावर n लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब अपन लोग वैल्यूज पुट करना यदि यहाँ पे शुरू करें, तो v1 तो v1 ही है, t1 तो t1 ही है, n की वैल्यू कितनी हो गई अपनी 0.5, और v2 कितना है, v1 अपॉन 2 हो गया, 50% रिड्यूस मतलब v1 अपॉन 2, तो ये v1 अपॉन 2 और t2 की वैल्यू, t2 की पावर 0.5। v1 से v1 कैंसिल कर दो आप, 2 को उधर ले जाओ और t1 को इधर ले आओ, तो 2 इज इक्वल टू t2 की पावर 0.5 अपॉन t1 की पावर 0.5, 2 इज इक्वल टू t2 अपॉन t1 की पावर 0.5, 0.5 को अपन लोग और क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन 2, तो 2 इज इक्वल टू t2 अपॉन t1 की पावर 0.5 की जगह 1 अपॉन 2 कर ले, 1 अपॉन 2 को उधर भेजेंगे तो 2 की पावर 2 इज इक्वल टू t2 अपॉन t1, दिस इंप्लाइज t2 अपॉन t1 इज इक्वल टू 4, ये आ गया। तो t2 कितना मिल गया अपने को, t2 इज इक्वल टू कितना मिल गया, 4t1। अगर पूछा होता कि t2 कितने टाइम्स बढ़ जा रहा, तो बोलते कितने, 4 गुना बढ़ जा रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है, परसेंटेज इंक्रीज, परसेंटेज इंक्रीज मतलब किससे इंक्रीज हुआ, t1 से बढ़ के t2 हुआ है, तो जिससे इंक्रीज हो रहा है उसी से कंपेयर कर देंगे। तो परसेंटेज इंक्रीज का फॉर्मूला क्या होता है, परसेंटेज इंक्रीज मतलब चेंज अपॉन इनिशियल,
चेंज अपॉन इनिशियल इनटू 100, परसेंटेज इंक्रीज या परसेंटेज डिक्रीज का फॉर्मूला यही होता है, चेंज अपॉन इनिशियल इनटू 100। चेंज किसका चेंज हो रहा है, टूल लाइफ का, तो चेंज मतलब T2 माइनस T1, और इनिशियली कितना था T1 इंटू 100। T2 कितना है अपने पास, 4T1 माइनस T1 अपॉन कितना T1 इंटू 100, तो 3T1 अपॉन T1 इंटू 100, T1 से T1 कैंसिल, तो कितना बचा 300%। तो करेक्ट आंसर इज 300% से टूल लाइफ जो है अपनी इंक्रीज हो जाएगी अगर टूल स्पीड 50% से डिक्रीज करेंगे। ये बात बहुत ध्यान रखिएगा, ये इंजीनियरिंग में आपको बहुत जगह देखने को मिलेगा, परसेंटेज इंक्रीज या परसेंटेज डिक्रीज करने के लिए यदि आपको बोलेगा तो आपको यही याद रखना है, परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज का फॉर्मूला होता है चेंज अपॉन इनिशियल। परसेंटेज इंक्रीज का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज अपॉन इनिशियल, ठीक है। अब जैसे इस क्वेश्चन में दिया था पहले कि स्पीड जो है 50% से रिड्यूस हो गई थी, तो परसेंटेज डिक्रीज कितनी डिक्रीज हुई, चेंज अपॉन इनिशियल तो इनटू 100, तो कितने परसेंट से डिक्रीज हुई थी, 50% रिड्यूस हो गई, 50% से डिक्रीज हो गई, चेंज कितना हुआ। अब देखिए V2 क्या है, कम है V1 से, तो अपन लोग को क्या लेना पड़ेगा, चेंज हमेशा पॉजिटिव में ही ले लो, V2 / V1 करेंगे तो निगेटिव में आ जाएगा, किससे डिक्रीज हुई, इनिशियल क्या थी, V1 थी, और चेंज कितना हुआ, V1 - V2 × 100, तो यहां से V2 देखना अपन कैसे निकाले थे। उसके बाद 50 upon 100 = 1 - V2 upon V1 हो जाएगा, दिस इंप्लाइज V2 upon V1 = 1 - 1/2, तो 1/2 हो जाएगा, दिस इंप्लाइज V2 = V1/2, निकल के आ गया ना यही चीज, यही तो अपन ने लिखा था V2 = V1/2, 50%, तो वही मैंने परसेंटेज इंक्रीज है, परसेंटेज डिक्रीज मतलब चेंज अपॉन इनिशियल, यहाँ पे अपन ने चेंज फाइनल, चेंज क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, यहाँ पे तो फाइनल T2 था, इनिशियल T1 था ले लिया, लेकिन यहाँ पे फाइनल V2 था, इनिशियल कितना था, V1, यहाँ पे V2 - V1 इसलिए नहीं लिया क्योंकि ये निगेटिव में आ जाता है, और डिक्रीज हो रहा है तो जाहिर सी बात है निगेटिव में आएगा, लेकिन अपने को सॉल्यूशन निगेटिव में नहीं चाहिए इसलिए। सो इस तरह से आप बाकी प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करिए। Thanks for your attention.